वंदना घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। देखो आनंद, कोई भी औरत अपना बसा बसाया घर छोड़कर खुश नहीं रह सकती। अरे तो क्यों आ गई हो यहाँ पर? पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 6 महीने से अपना घर अपना परिवार छोड़कर तो अपने भाई के पास रह रही हो, आखिर किस बात का ईगो है वंदना, मुझे बताओ। आनंद, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे परिवार के लिए, अपनी सोच को बदला, अपने आप को बदला, लेकिन फिर भी तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं समझा मुझे। अपनी सोच बदली सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा परिवार कभी मुझे समझ ही नहीं पाया। वंदना, बीती बातों को भूल जाओ यार, अपने घर चलो, वो घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं आनंद, मेरी उस घर में वापसी नहीं हो सकती। मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मुझे रोज ताने मिलते थे, न जाने क्या क्या सुनने को मिलता था मुझे, जहां तक कि मेरे करेक्टर पे भी उंगली उठाई गई। उस घर में ले जाने की बात कर रहे हो तुम, कैसे जाऊं मैं आनंद उस घर में? नहीं जा सकती मैं। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, शायद ये मेरा आखिरी फैसला है। कम से कम शायद लगाकर तुमने एक उम्मीद तो दी है। खैर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा आखिरी सांस तक। चलता हूं। ये आनंद क्यों आया था यहां पर? वो मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए थे, बोल रहे थे अपने घर चलो। तो फिर क्या सोचा तूने, क्या कहा उसको? आपने जो बोला था ना, वही बोला है मैंने। मैंने उन्हें मना कर दिया। शाबाश शाबाश मेरी बहन, मुझे तुझ पर गर्व है। अरे सत्य प्रकाश की बहन, ऐसे कैसे हार मान सकती है? तू देखती जा कि तेरा भाई क्या करता है। उसके पूरे घर वालों को तेरे आगे घुटनों के बल ना चलवाया ना, तब तू देखना उसके पूरे के पूरे घर वाले तेरे आगे नाक रगड़ेंगे। भैया, जो गलती थी वो तो आनंद के परिवार वालों की थी ना। आनंद ने तो कभी मुझे कुछ नहीं कहा ना। जो उल्टा सीधा कहा है वो उनके परिवार वालों ने कहा है। भैया, आनंद बहुत अच्छे इंसान है। आज उन्हें दुखी देख के मुझे बहुत दुख हुआ। भावना, ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है तुझे। उसे रोड पर धक्के खाते हुए देखना चाहता हूँ मैं। उसके पूरे परिवार को तेरे आगे गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ मैं। भैया, आप ये क्या बोले जा रहे हो? बस, मैंने कह दिया ना तो मैंने कह दिया। अरे बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? यहाँ पे खड़े हो? दीदी नमस्ते। हमेशा खुश रहो, तुम्हारे घर में खुशियों का पालना झूलता रहे। लो दीदी। अरे नहीं बेटा, ये ले, मेरी तरफ से तुझे शकुन है, आशीर्वाद है चिंगारी दीदी की तरफ से। तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। भाई क्यों रो रहे थे? क्या हुआ बेटा बता। दीदी, मैंने सुना था कि जब कोई किन्नर आशीर्वाद देती हैं तो वो बहुत फलता फूलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आशीर्वाद मुझे असर करेगा। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे तू? लगता किसी गहरी मुसीबत में है। बता मुझे क्या हुआ। दीदी, मेरी बीवी 6 महीने से मेरा घर छोड़कर अपने भाई के यहाँ रह रही है, और आज मैं उसे अपने घर ले जाने के लिए आया था, पर उसने मना कर दिया। क्यों, ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच में? कुछ आपसी मनमुटाव हुआ है क्या? घर परिवार में लड़ाई झगड़ा किसके यहाँ नहीं होता, मनमुटाव किसके यहाँ नहीं होता। बस मेरे घर वालों ने उसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया और वो अपने भाई के घर आ गई, और जब मैं उसे आज ले जाने के लिए आया तो हमेशा के लिए जाने से मना कर दिया। ये आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है? थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ नहीं कि रिश्तों को तोड़ने के कगार पे आ जाते हैं वो। समझ नहीं आ रहा इस देश का क्या होगा।
तू बेटा चिंता मत कर, मैं चलूंगी तेरे साथ और मैं तेरे रिश्तों को बचाऊंगी। तू चल मेरे साथ, घर चल। कहाँ पे वो अपने मम्मी पापा के यहाँ है? हाँ, यहीं उसके भाई का घर है। भाई के घर? तू चल मेरे साथ, चल पहलवान। तू फिर से आ गया यहाँ पर? तुझे कहा ना कि भावना तेरे साथ नहीं रहना चाहती, फिर क्यों चला आता है मुंह उठाकर? अच्छा, तो तू इन गुंडों को लेकर आया है? तुझे क्या लगता है तू एक गुंडे लेकर आएगा और मेरी बहन को यहाँ से ले जाएगा? गुंडा नहीं है, गुंडी है, गुंडी। समझ गया? सुन लिया? और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में गुंडी लगाती हूँ, गुंडी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे किन्नरों से मैं डर जाऊंगा? हरगिज भी नहीं, मेरी बहन यहां से कहीं नहीं जाएगी, समझे तुम लोग? मैं भावना के मुंह से सुनना चाहती हूँ। भावना बेटा, आज का गुस्सा और नाराजगी ना कल को तकलीफ के अलावा कुछ और नहीं देने वाली। और ये कहाँ का फैशन है, छोटी छोटी बातों पर नाराज होके अपना घर छोड़ के पराए घर में आ जाना? तेरा असली घर वही है, ये पराए घर है। और आज तक तो मैंने ये सुना था कि बेटियों का घर माँ और भाभियाँ बर्बाद करती है, यहाँ तो भाई भी बहन का घर तोड़ने में पीछे नहीं हट रहा। देखो आनंद, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, अपने किन्नरों की टीम को लो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये बस भी करो, क्या बोले जा रहे हो आप? भावना, देख तू मेरी बहन है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मुझे करने दे, चुप रहे तू। भावना बेटा, अब मैं समझ गई ये घर क्यों टूट रहा है। 10% तेरी मर्जी है और 90% मर्जी तेरे अपने इस भाई की है तेरा घर तोड़ने में। भावना, तुम मेरे परिवार वालों के साथ नहीं रहना चाहती ना? कोई बात नहीं, मत रहो, मैं अलग घर ले लूंगा, हम दोनों साथ में रहेंगे ना, चलो ना। बस लगता तो ऐसे मानने वाला नहीं है, निकल यहां से। तेरी हिम्मत कैसी हुई उसको हाथ लगाने की? मैंने कहा ना, भावना इस घर से कहीं नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाऊंगी? मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी और देखती हूँ मुझे आप कैसे रोकते हो। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? तो भूल गई क्या कि उस घर में तेरे साथ क्या क्या हुआ था? और कैसा भाई है रे तू? भाई अपनी बहन का घर बचाते हैं और तू अपनी बहन का घर तोड़ रहा है? अपनी बहन की कितनी शादी कराएगा बोलना, तलाक करवाना चाहता है ना? अगर कल को इसकी तो दूसरी शादी कराएगा, क्या गारंटी है वो पति भी अच्छा मिलेगा, वो परिवार भी अच्छा मिलेगा? कितनी शादी कराता फिरेगा तू बोल? जब तेरी बहन अपने पति के साथ खुश है तो बीच में टांग क्यों लगा रहा है बोल? मैंने कहा कि भावना इस घर से नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। ओ सुन, भावना तो इस घर से अपने पति के साथ जाएगी जरूर, चाहे मुझे तेरी सांसों का आवागमन ही क्यों ना बंद करना पड़े। भैया भैया, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे आनंद से अच्छा जीवन साथी कोई और नहीं मिल सकता, प्लीज आप समझो। तू सही कह रही है, शायद मेरी ही गलती थी। भाई तो बहन का घर बसाते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने तेरे साथ क्या किया, तुझे तेरे ही घर से दूर कर दिया, तुझे तेरे पति से अलग कर दिया। मैं समझ चुका हूँ कि बहन अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, ना कि अपने मायके में। जा जा और खुश रह अपने पति के साथ। अजीजा जी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर लीजिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। मुझे भी माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हारी बहन का दिल दुखाया। आनंद बेटा, मैंने कहा था ना किन्नरों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, कहा था ना बेटा? मेरा दोनों पर आशीर्वाद है, बहुत जल्दी तुम दोनों घर में किलकारी जरूर गूंजेगी। पर हाँ, अपनी जीजा का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखियो अब तू, समझे ना? चल पहलवान, चलो बेटा घर अपने। थैंक यू दीदी। थैंक यू। चले चलो।